नमस्कार दोस्तों, जब कोई लड़का और लड़की किसी रिश्ते में बनते हैं, यानी कि पति पत्नी के रिश्ते में बनते हैं, तो वह एक दूसरे की सही और गलत दोनों बातों को जाहिर करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ कमी लड़के में होती है तो कुछ कमी लड़कियों में होती है। उन कमियों को यदि आप ठीक से करके सीखते हैं और उन कमियों को नज़रअंदाज करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी कमियां ज़्यादा हो जाती हैं या फिर आप वही गलतियां दोबारा दोबारा दोहरा रहे हैं तो वह गलतियां नहीं, बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है। यदि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, आपकी गलतियाँ नज़रअंदाज करने में काफ़ी हद तक आपके दोनों की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं। यदि आप ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हो तो वह नज़रअंदाज नहीं की जा सकती हैं। यदि आप पति पत्नी के रिश्ते में बंधे हो तो एक समान तुलना के आकार में अपने जीवन को एक ही रास्ते पर लेकर चलते हैं और उस रास्ते पर आपको यह भी देखना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर किसी में गलतियाँ होती हैं या फिर कोई कमियाँ हैं तो उन्हें भूल कर उनकी अच्छाई पर ध्यान दीजिए। अक्सर देखा जाता है जहाँ पर 10 अच्छाई होती हैं वहाँ पर अगर एक गलती होती है या फिर एक कमी होती है तो उसे काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। उस कमी को नज़रअंदाज करना सीखिए ताकि आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खुश हो जाए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का तरीका यही होता है कि अपनी कमियों की जगह अपने गुणों को देखिए। यदि आपके गुण अच्छे हैं तो अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित कीजिए जिससे कि दूसरे प्रभावित होकर आपसे जल्द ही सेटल हो जाएं। और सेटल होने से आपके सभी गुणों की तारीफ भी करें। यदि आप अपने जीवन में सभी चीज़ों को आसानी से नहीं पा सकते हैं तो अपनी मेहनत करिए ताकि आपके प्रयासों से वह चीज़ें आपको जल्दी ही मिल जाए। साथ ही अपनी जो कमियां हैं उन्हें आप भूल जाइए। अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां हों या लड़के, यदि उनमें कोई कमी होती है तो वह अपनी कमियों को ही देखते हैं लेकिन अपने गुणों को नहीं। और यदि कोई व्यक्ति उनके गुणों पर विचार कर उनकी प्रशंसा करता है तो उन्हें जब अंदाज होता है कि उनकी कमियों के साथ साथ उनमें खूबियां भी बहुत हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक अच्छी बन सकती है। यदि आप भी ऐसे ही हैं और अपनी कमियों को दूर करके अपने गुणों पर ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।